स्वरों की मात्राएं। तो चलो शुरू करते हैं पहला अध्याय, बिना मात्रा वाले शब्द। तो पहला है घर। घर को हम अंग्रेजी में हाउस कहते हैं। फल यानि फ्रूट्स। जल यानि वाटर। बतख यानि डक। अजगर यानि पाइथन। बर्तन यानि यूटेंसिल्स। तो चलो बच्चों, इन शब्दों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। धन, कल, नगर, उपवन। और अब चलो बच्चे ये देखेंगे कि हम इन शब्दों को कैसे लिखते हैं। म, न, मन। ट, ब, टब। क, म, ल, कमल। न, ग, र, नगर। घर चल। भरत, घर चल, सड़क पर मत टहल। कमल, इधर आ। टहर टहर रमन, अब नमन कर। ईशा, भजन कर। अब देखते हैं दूसरा अध्याय, आ की मात्रा। छाता यानी अम्ब्रेला। धागा यानी थ्रेड। ताला यानी लॉक। कार यानी कार। माला यानी गारलैंड। गाय याने काउ। इन शब्दों को समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। नाम, दाल, काला, बादल। और इन शब्दों को किस तरह से लिखना है ये हम अब जानेंगे। न्या, आ की मात्रा न, ज्ञान। मा, आ की मात्रा मा, आ की मात्रा मामा। स, आ की मात्रा त, सात। त, ब, ल, आ की मात्रा तबला। रमन का मामा आया। रमन का मामा आया, वह नया बाजा लाया। रमन बाजा बजाएगा, रमन का मामा गया। फाटक पर ताला लगा। तो तीसरा अध्याय है ई। ई की मात्रा। तकिया यानी पिल्लो। हिरन यानी डीर। किताब यानी बुक। किला यानी फोर्ट। सितार यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लिख यानी राइट। तो चलो हम कुछ और उदाहरण देखते हैं छोटी ई की मात्रा प्रयोग करते हुए। दिल, पति, किसान, मिठाई। और अब देखेंगे कि इन शब्दों को कैसे लिखते हैं। र, व, व को छोटी की मात्रा रवि। म को छोटी की मात्रा त्र, मित्र। क, व, व को छोटी की मात्रा वी। त, आ की मात्रा कविता। म का छोटी की मात्रा मी। ठा को आ की मात्रा ठ। ई, मिठाई। पिकनिक। दिन निकल आया, अनिल आ, पिकनिक पर चल।
छवि साइकिल पर चल, निधि इधर आ, सितार बजा, रिमझिम बारिश आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई, चिड़िया आई, दाना लाई, विपिन उठ, माता पिता का आदर कर, फिर हरि का नाम भज। चारवा अध्याय ई की मात्रा देखेंगे, बड़ी ई की मात्रा। घड़ी यानी वॉच, सीटी यानी विजिल, परी यानी फेरी, हाथी यानी एलिफेंट, मछली यानी फिश, तितली यानी बटरफ्लाई। तो बड़ी ई की मात्रा का उपयोग करते हुए कुछ और उदाहरण देखते हैं। दही, पीला, चीनी, खिड़की। और अब देखते हैं कि इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। हा को आ की मात्रा, थ को बड़ी ई की मात्रा हाथी, पा को आ की मात्रा, न को बड़ी ई की मात्रा पानी, ना को बड़ी ई की मात्रा, ल को आ की मात्रा नीला, रा को आ की मात्रा, न को बड़ी ई की मात्रा रानी, नानी। अनीता कहानी पढ़ रही थी, तभी उसकी नानी आई। नानी लीची, पपीता और नाशपाती लाई। मामा मामी नदी पर गए, मटकी भरकर पानी लाए। दीदी चावल चीनी लाई, मम्मी आई आग जलाई, चावल की मीठी खीर बनाई। तभी गीता भी आई, फिर मिलकर खीर खाई। तो चलो आज सीखते हैं पांचवा अध्याय ऊ की मात्रा। छोटी ऊ की मात्रा, पुल यानी ब्रिज, साबुन यानी सोप, गुलाब यानी रोज, धनुष यानी बो, मुर्गी यानी हेन, कुर्सी यानी चेयर। तो छोटी ऊ की मात्रा को उपयोग करते हुए देखते हैं कुछ और उदाहरण। तुम, बुआ, दुनिया, सुहावना। और अब देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। पा को छोटी ऊ की मात्रा, ल पुल, ब को छोटी ऊ की मात्रा, र आ की मात्रा बुरा, ख को छोटी ऊ की मात्रा, श खुश, क छ छ को छोटी ऊ की मात्रा, अ कछुआ। सुबह सुबह, कुसुम सुबह सुबह उठ, सुहावना उपवन जा, गुलाब चुन, जामुन ला, सुमन जामुन चक, सुनील चुपचाप रह, बात सुन, फुलवारी से तितली बत पकड़, मधु की गुड़िया, बुआ आई मधु की गुड़िया लाई, लाल पीला वह सुनहरा धागा, चुनकर गुलाब की माला बना, बुलबुल का गाना सुन। ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, फूल यानी फ्लावर, चूहा यानी माउस, जूता
याने शू, आलू याने पोटैटो, सूरज याने सन, त्रिशूल याने ट्रिडेंट। तो अब देखते हैं बड़ी ऊ की मात्रा का उपयोग करते हुए कुछ और उदाहरण। झूला, भालू, पालतू, खूबसूरत। चलो देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। चा को बड़ी ऊ की मात्रा चू, ना को आ की मात्रा ना चूना, भा को बड़ी ऊ की मात्रा भू, खा को आ की मात्रा खा भूका, फा को बड़ी ऊ की मात्रा फू, ल फूल, स को बड़ी ऊ की मात्रा सू, र ज सूरज। चलो देखते हैं रा के साथ ऊ और ऊ की मात्रा जोड़े हुए उदाहरण। रू, रू से रुपया याने रुपी, रू से रुकना याने स्टॉप, और बड़ी ऊ की मात्रा को जोड़ने से होता है रू, रू से रुमाल याने हैंडकरचीफ, और रू से अमरूद याने ग्वावा। तो चलिए देखते हैं रू और रू को से जोड़े हुए शब्द कैसे लिखते हैं। ग को ऊ की मात्रा गु, र को ऊ की मात्रा रू गुरु, र को ऊ की मात्रा रू, प या को आ की मात्रा या रुपया, र को ऊ की मात्रा रू, क ना को आ की मात्रा ना रुकना, र को उ की मात्रा, च को छोटी की मात्रा रुचि, र को बड़ी उ की मात्रा प रूप, र को बड़ी उ की मात्रा ख को आ की मात्रा रूखा, र को बड़ी उ की मात्रा स रूस, श को बड़ी उ की मात्रा र को बड़ी उ की मात्रा शुरू। झूला, सूरज निकला धूप खिली फूल खिल गए, शहतूत पर झूला डाल, खुशबू झूला झूल, ऋतु शहतूत खा। भालू वाला आया, उसका भालू काला काला, भालू का नाम झुमरू था, झुमरू भालू झूम झूम कर नाचता, ढमरू बजा बजा कर मजदारी नचवाता, भालू कूद कूद कर नाचता। देखते हैं सातवां अध्याय। रू की मात्रा वृक्ष याने ट्री, गृह याने हाउस, कृषि याने फार्मिंग, नृप याने किंग, तृण याने ग्रास, कृषक याने फार्मर। रू की मात्रा का उपयोग करते हुए देखते हैं कुछ और उदाहरण। मृग, वृथा, कृत्रिमा, सृजन। चलो देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। गा के रू की मात्रा गृह, गृह। मा के रू की मात्रा ग, मृग। का के रू की मात्रा प, आ की मात्रा कृपा। मा को आ की मात्रा त, के रू की मात्रा मातृ। ऋषि, अमृत नाम के एक ऋषि थे, वे बड़े कृपालु थे। ऋषि का आश्रम बृहद आकार का था, उनके आश्रम में अनेक वृक्ष थे, एक वृक्ष बहुत बड़ा था। मृग व वृषभ, तृण
चारा करते थे। ऋषि तप कर रहे थे। ऋषि घृणा से दूर रहते थे। उनकी सब पर समान कृपा थी। चलो देखते हैं 8वां अध्याय। एक ही मात्रा केला यानी बनाना, सेब यानी एप्पल, पेड़ यानी ट्री, करेला यानी बिटर गार्ड, मेंढक यानी फ्रॉग, सेवक यानी सर्वेंट। तो चलिए देखते हैं कुछ और उदाहरण एक ही मात्रा की उपयोग करते हुए। देश, बेटा, सवेरा, परेशान। और अब देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। पा को एक ही मात्रा ढ, पेड़। द को एक ही मात्रा श, देश। र को एक ही मात्रा ल, रेल। स व को एक ही मात्रा र को अ की मात्रा, सवेरा। मेला, रमेश मेला देखने गया। उसके साथ नरेश और राकेश भी गए। मेले में अनेक झूले थे। रमेश ने बेलपूरी खाई। नरेश और राकेश ने जादूगर का खेल देखा। रमेश ने सेब खरीदे। देखते हैं 9वां अध्याय। ऐ की मात्रा बैल याने ऑक्स, पैर याने फुट, मैना याने मैना बर्ड, थैला याने बैग, तैराक याने स्विमर, सैनिक याने सोल्जर। तो चले देखते हैं आई की मात्रा का उपयोग करते हुए कुछ और उदाहरण। सैर, भैया, विशैला, नैनीताल। और वही आई की मात्रा का उपयोग करते हुए देखते हैं कि इसे कैसे लिखा जाता है। ब को आई की मात्रा बै, ल बैल। पा को आई की मात्रा र, पैर। का को आई की मात्रा स को आ की मात्रा, कैसा। द को आई की मात्रा न को छोटी ई की मात्रा, क दैनिक। भैया, शैलजा का भैया वैभव नैनीताल से आया। वह एक बहादुर सैनिक है। वह सुबह मैदान की सैर करता है। शैलजा अपने भैया के साथ घूमने जाती है। गवैया, भैरव एक गवैया है। मैना उसका गाना सुनने हैदराबाद से आती है। ऐसा कैसा होता है, बादल से पानी है गिरता, पेड़ से पत्ता है गिरता, पत्थर से पानी है रिश्ता, ऐसा कैसा होता है। हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता, रेलगाड़ी पटरी पर है चलती, इतना सब कुछ होता है, ऐसा कैसा होता है। तो चलो देखते हैं 10वां अध्याय। ओ की मात्रा मोर याने पीकॉक, कोट याने खोट, घोड़ा याने हॉर्स, कोयल याने कुकू, चोर याने थीफ, टोकरी याने बास्केट। तो चलो देखते हैं ओ की मात्रा का उपयोग करते हुए कुछ और उदाहरण।
भोर, मोती, तो, लोमड़ी। और देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। मा को ओ की मात्रा र, मोर। घ को ओ की मात्रा, ध को आ की मात्रा, घोड़ा। ग को ओ की मात्रा, ध को बड़ी ई की मात्रा, गोभी। भा को ओ की मात्रा, जन, भोजन। होली। होली आई, आओ बच्चों गुलाल लगाओ, खेलो कूदो नाचो गाओ, ढोल बजाओ, गले मिलकर होली मनाओ। भोर। सोहन मोहन उठो, भोर हो गई, कोयल बोलने लगी, तोते ने भी शोर मचाया, चलो अब नहाओ, फिर भोजन कर लो, अब पढ़ने जाओ। तो 11वां अध्याय है औ की मात्रा। पौधा यानी प्लांट। कौवा यानी क्रो। लौकी यानी बॉटल गार्ड। चौकी यानी स्टूल। दौलत यानी मनी। औजार यानी टूल्स। तो चलिए देखते हैं औ की मात्रा का उपयोग करते हुए कुछ और उदाहरण। नौका, शौक, चौराहा, फौरन। और अब देखते हैं इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। पा को औ की मात्रा, ध को आ की मात्रा, पौधा। ग को औ की मात्रा, र को आई की मात्रा, या को आ की मात्रा, गौरैया। मा को औ की मात्रा, स म, मौसम। का को औ की मात्रा, न, कौन। फौजी। देश की रक्षा करता कौन, हम तो दिन भर करते मौज, देश की रक्षा करता फौजी, फौलाद से है अपने नौजवान, देश के गौरव है फौजी, करते हर मौसम में देश की रक्षा। नौका। गौरव सौरभ दौड़ के आओ, कागज की नौका ले आओ, मौसम बन गया है आज, पानी पर नौका तैराओ। अब सीखते हैं बिंदु और चंद्र बिंदु की मात्रा के बारे में। झंडा याने फ्लैग, डंडा याने स्टिक, हंस याने स्वैन, बंदर याने मंकी, पतंग याने काइट, मंदिर याने टेंपल। और अब हम ये देखेंगे कि इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। आ इसके ऊपर बिंदु देंगे, ड उसको आ की मात्रा अंडा, प उसके ऊपर बिंदु और ख पंख, श इसके ऊपर बिंदु और ख शंख, अ इसके ऊपर बिंदु, ग को ऊ की मात्रा, र अंगूर। अब चंद्र बिंदु वाली मात्रा को इस्तेमाल करने वाले कुछ शब्द हैं। सांप याने स्नेक, आंख याने आई, चांद याने मून। और अब हम ये देखेंगे कि इन शब्दों को कैसे लिखा जाता है। म ऊपर चंद्र बिंदु और नीचे ऊ की मात्रा, ह मुह। ऊ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु
और ट ऊंट। प को आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और च पांच। आ ऊपर चंद्र बिंदु, ग को ओ की मात्रा, ठ को बड़ी ई की मात्रा, अंगूठी। पतंग। नंदन की उड़ी पतंग उठ चली वह हवा के संग। नंदन छोड़ रहा है डोर, चंदन मचा रहा है शोर। रंग बिरंगी उड़ी पतंग, नंदन की उड़ी पतंग। ऊंट की सवारी। चांदनी एक हसमुख लड़की है, वह ऊंट की सवारी करती है। उसके गांव में एक कुआं है, उस पर सांप लटका है। तो बच्चों आज हम 12 कड़ी पढ़ेंगे, यानी मात्रा सहित व्यंजन। तो चलो शुरू करते हैं। आ आ ई ई उ उ रु ए आई ओ आओ अम आहा। बिना कोई मात्रा जोड़े ये सिर्फ का है। क का, के की, कु कू, क्रु के काई, को काओ, कम कहा। ग ग गि गि, गु गु, क्रु गे गई, गो गौ, गम गहा। च चा, चि ची, चु चु, चृ चे चै, चु चौ, चम चहा। ज जा, जि जी, जु जु, जृ जे जई, जो जौ, जम जहा। ट टा, टि टी, टु टू, ट्रु टेट टाई, टोट टौ, टम तहा। ड डा, डि डी, डु डू, ड्रु डे डाई, डो डौ, डम डहा। त ता, ति ती, तु तू, त्रु ते तई, तो तौ, तम तहा। द दा, ति ती, तु तू, त्रु दे तई, तो तौ, तम तहा। प पा, पि पी, पु पु, प्रु पे पाई, पो पौ, पम पहा। म मा, मी मी, मु मु, मृ मे मै, मो मौ, मम महा। या, यी, यी, यु, यु, रु, ये, यै, यो, यौ, यम, यहा। ल, ला, लि, ली, लु, 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 ले, लै, लो, लौ, लम, लहा। स सा, सि सी, सु सु, सृ से सै, सो सौ, सम सह। ह आ, हि ई, हु हू, पृ हे हई, हो
आओ हम हाँ हिंदी की गिनती यानी काउंटिंग। अंग्रेजी में वन को हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है और इसे एक कहते हैं। टू को इस तरह से लिखा जाता है और इसे दो कहते हैं। थ्री को इस तरह से लिखा जाता है, इसे तीन कहते हैं। फोर को इस तरह से लिखा जाता है और इसे चार कहते हैं। फाइव को इस तरह से लिखा जाता है और इसे पांच कहते हैं। सिक्स को इस तरह से लिखा जाता है और इसे छह कहते हैं। सेवन को इस तरह से लिखा जाता है और इसे सात कहते हैं। एट को इस तरह से लिखा जाता है और इसे आठ कहते हैं। नाइन को इस तरह से लिखा जाता है और इसे नौ कहते हैं। टेन को इस तरह से लिखा जाता है और इसे दस कहते हैं। इलेवन को ऐसे लिखते हैं और इसे ग्यारह कहते हैं। ट्वेल्व को ऐसे लिखते हैं और इसे बारह कहते हैं। थर्टीन को ऐसे लिखते हैं और इसे तेरह कहते हैं। फोर्टीन को ऐसे लिखते हैं और इसे चौदह कहते हैं। फिफ्टीन को ऐसे लिखते हैं और इसे पंद्रह कहते हैं। सिक्सटीन को ऐसे लिखते हैं और उसे सोलह कहते हैं। सेवेंटीन को ऐसे लिखते हैं और इसे सत्रह कहते हैं। एटीन को ऐसे लिखते हैं और इसे अठारह कहते हैं। नाइनटीन को ऐसे लिखते हैं और उसे उन्नीस कहते हैं। ट्वेंटी को इस तरह से लिखते हैं और इसे बीस कहते हैं। चलो बच्चों, आज हम कुछ मजेदार सीखते हैं। स्वर गीत। आ से अनार, आ से आम, मिलकर करना पूरे काम। ई से इमली, ई से ईख, सीखो बच्चों अच्छी सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, चलो चले हम रंगून। रू से ऋषि है बड़े महान, करते जाओ इनका ध्यान। ऐ से ऐड़ी, आई से ऐनक, मटक मटक आया ऐरावत। ओ से ओस, औ से औरत, बच्चे ही है घर की दौलत। अम और आहा है खाली, मिलकर बजाओ सब ताली।
सुनहरी परी। एक दिन शाम के समय नीता अपने घर जा रही थी, तभी उसे सड़क पर एक छड़ी दिखाई दी। यह तो एक जादुई छड़ी है, यह किसी परी की छड़ी है जो गलती से यहाँ गिर गई है, मैं उसे वापस कर दूंगी। रात को जब घर में सब सो गए तो नीता उस छड़ी को लेकर छत पर आ गई। उसने छड़ी घुमाई, एक सुनहरी परी उसके सामने खड़ी थी। अपनी छड़ी पाकर सुनहरी परी बहुत खुश हुई। उसने नीता से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? नीता बोली, मैं परीलोक की सैर करना चाहती हूँ। परी ने छड़ी घुमाकर नीता को भी परी जैसे पंख लगा दिए और वो दोनों परीलोक की ओर उड़ने चली। नीता ने देखा, परीलोक तो बहुत सुंदर है, ना कहीं गंदगी और ना कहीं शोरगुल है। हर जगह पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल लगे थे। नीता सोचने लगी, हमारी धरती ऐसी क्यों नहीं है? घूमते घूमते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। अब नीता परी के साथ धरती के ओर वापस चल पड़ी। उसके मन में यह विचार आ रहा था कि अपनी धरती भी परीलोक जैसी हो। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गंदगी और शोरगुल से बचना चाहिए। चालाक लोमड़ी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह भूखी थी। खाने की तलाश में उसने सारा जंगल छान मारा, पर उसके हाथ कुछ ना लगा। थक कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक कौवे पर पड़ी। उसके मुंह में एक रोटी थी। कौवे के मुंह में रोटी देखकर लोमड़ी की भूख और भी बढ़ गई। उसने सोचा, यह रोटी मुझे मिल जाती तो मेरी भूख मिट जाती। लोमड़ी ने एक उपाय सोचा। उसने कौवे से कहा, कौवा भाई, तुम बहुत सुंदर हो, मैंने तुम्हारी बहुत प्रशंसा सुनी है। सुना है तुम अच्छा गाना गाती हो, मुझे अपनी मीठी मीठी आवाज में एक गीत सुनाओ ना। यह सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। वह लोमड़ी की बातों में आ गया। बिना सोचे समझे कौवे ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला। उसने जैसे ही अपना मुंह खोला, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। चालाक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा उठाया और वहां से भाग गई। बेचारा कौवा पछता कर रह गया। मेरी माँ का नाम सीता है। मेरी माँ एक अध्यापिका है। मेरी माँ गृह कार्य करने में मेरी सहायता करती है। मैं अपनी माँ को बहुत प्यार करता हूँ। माँ भी मुझे बहुत प्यार करती है। मेरा बगीचा। मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर बगीचा है। बगीचे में अनेक पेड़ पौधे लगे हैं। पेड़ों पर अनेक पक्षी रहते हैं। पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। बगीचे में नीम और आम के पेड़ भी हैं। पार्क। तो बच्चों, आप सब छुट्टियों में कहाँ गए थे? टीचर, पार्क। हाँ कोमल, तुम पार्क गई थी? तो तुम किस किस के साथ गई थी पार्क? टीचर, मैं पार्क अपने
माताजी, पिताजी, दादाजी, बहन के साथ गई थी। हमारे संग हमारी पालतू बिल्ली भी थी। वहाँ पार्क में हमने बहुत गुब्बारे खरीदे और उनसे बहुत खेला। उस पार्क में एक छोटा सा तालाब भी था जिसमें बतख थी और हमने उसमें नाव बना के खेले। उसी तालाब के बाजू एक पेड़ था जिसके नीचे गिलहरी खेल रही थी। वहां से आगे जाने पर हमें एक बगीचा दिखाई दिया जहां पे बहुत सारी तितलियां थी और उसके पास ही बच्चे गेंद खेल रहे थे। वहां एक लड़का उसके कुत्ते के साथ भी खेल रहा था। वहीं पर बाजू एक झूला था जिसपे मैं बहुत देर तक खेली। हम सब ने बहुत मजे किए। बंदर का कलेजा। नदी किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। वह रोज पेड़ पर लगे मीठे जामुन खाता था। एक दिन नदी में से एक मगर निकलकर पेड़ के नीचे आया। बंदर ने उसे देखा तो उसने पेड़ से कई जामुन तोड़े और नीचे गिरा दिए। मगर ने बहुत मजे से उन्हें खाया। वह कुछ जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। जामुन खाकर उसकी पत्नी ने मगर से कहा, वह बंदर रोज रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं उसका कलेजा खाऊंगी, तुम ले आओ ना। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। एक दिन मगर ने बंदर को दावत के बहाने अपनी पीठ पर बिठाया और उसे लेकर अपने घर की ओर चला। नदी के बीच में पहुंचकर उसने अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बताई। इस पर बंदर ने कहा कि वह अपना कलेजा तो पेट पर ही छोड़ आया है, इसलिए उन्हें वापस पेड़ पर जाना पड़ेगा। यह सुनकर मगर बंदर को वापस पेड़ की ओर ले गया। बंदर मगर की पीठ से उतरकर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, कभी कोई अपने कलेजे को अलग रख सकता है? आज हम अपने शरीर के अंगों के नाम सीखेंगे, यानी नेम ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सिर यानी हेड, आंख यानी आई, कान यानी ईयर, दांत यानी टीथ, हॉर्न यानी लिप्स, बाह यानी आर्म्स, पेट यानी स्टमक, घुटना यानी नी, पैर यानी फुट, टांग यानी लेग, जांग यानी थाई, हाथ यानी हैंड, कांधा यानी शोल्डर, गर्दन यानी नेक, मुख यानी माउथ, गाल यानी चीक, नाक यानी नोज, मस्तक यानी फोरहेड। चिड़ियाघर। चिड़ियाघर की सैर करें, जानवरों को तंग न करें, देखें चीता भालू बंदर, रहते जो पिंजरे के अंदर, हाथी घोड़ा हिरन है प्यारे, चिड़ियाघर में लगते न्यारे। वन यानी जंगल के बारे में जानेंगे। नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपको पता है कि जैसे हम सब अपने घर में रहते हैं,
वैसे ही सारे जानवर कहाँ रहते हैं? हाँ, जंगल में। सारे जानवरों का घर जंगल होता है, जिसमें छोटे पेड़ बड़े वृक्ष होते हैं। तो चलो देखते हैं कि जंगल में कौन से जानवर रहते हैं। हाथी यानी एलिफेंट, लोमड़ी यानी फॉक्स, खरगोश यानी रैबिट, हिरन यानी डियर, मेंढक यानी फ्रॉग, तितली यानी बटरफ्लाई, बंदर यानी मंकी, मधुमक्खी यानी हनी बी, भालू यानी बेर, चीता यानी लेपर्ड, शेर यानी टाइगर, मगर यानी क्रोकोडाइल, गेंडा यानी राइनोसरस, जिराफ यानी जिराफी, चिड़िया यानी बर्ड, सिम्हा यानी लायन। आओ बच्चों, आज हम कुछ रंग बिरंगा सीखते हैं। रंगों के नाम यानी नेम्स ऑफ कलर्स। तो चलो देखते हैं पहला वाला, लाल यानी रेड, काला यानी ब्लैक, नीला यानी ब्लू, पीला यानी येलो, हरा यानी ग्रीन, गुलाबी यानी पिंक, सफेद यानी व्हाइट, नारंगी यानी ऑरेंज, बैंगनी यानी पर्पल, भूरा यानी ब्राउन, सुनहरा यानी गोल्डन, सिलेटी यानी ग्रे। आज हम कुछ अलग सीखते हैं। लिंग यानी जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का बताने वाले शब्द को पुल्लिंग कहते हैं और लड़की बताने वाले शब्द को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाले शब्द। लड़का पुल्लिंग है और लड़की स्त्रीलिंग। मुर्गा पुल्लिंग है और मुर्गी स्त्रीलिंग। मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग। माली पुल्लिंग, मालिन स्त्रीलिंग। इन लिंगों को समझने के लिए हम चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं। बैल गाय, हाथी हाथीनी, बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, अध्यापक अध्यापिका, छात्र छात्रा, धोबी धोबिन, लड़का लड़की। तो चलो बच्चों, आज हम कुछ और सीखते हैं। एक और अनेक यानी सिंगुलर और प्लूरल। एक का अर्थ है केवल एक, अनेक का अर्थ है एक से अधिक। तो चलिए देखते हैं। एक बिल्ली, अनेक बिल्लियां। एक गुब्बारा, अनेक गुब्बारे। एक तारा, अनेक तारे। एक पतंग, अनेक पतंगे। और इस एक और अनेक को समझने के लिए चलो देखते हैं हम कुछ और उदाहरण।
पत्ता पत्ते, रात रातें, मछली मछलियां, ताला ताले, तितली तितलियां, केला केले, चिड़िया चिड़ियां, बच्चा बच्चे।